तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है यार। क्वेश्चन आपका है प्रोबेबिलिटी पे और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। एक बोल्ट फैक्ट्री है जिसमें तीन मशीन्स है ए बी एंड सी, तो वो टोटल बोल्ट्स का कितना कितना बनाती है, 25%, 35%, 40% यहां पे बनाती है। मतलब मशीन ए जो है वो 25% बनाती है टोटल बोल्ट्स का और बी जो है वो 35% बनाती है और यार सी जो है वो 40% बनाती है। यस, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। इन्होंने जो भी आउटपुट दिया है, जैसे मशीन ए ने कितना आउटपुट दिया, 25% दिया है, मशीन बी ने 35% दिया है, सी ने 40% दिया है, तो उनमें से मशीन ए जो है वो 5% डिफेक्टिव बोल्ट्स देती है और मशीन बी जो है वो 4% डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है और सी जो है वो 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है, ये कह रहे हैं। फिर कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको देखते हुए आंसर देने आपको क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख रखा है, उससे पहले मैं बता दूं मैंने कुछ इवेंट्स मान रखे हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, इन इवेंट्स का मैं यहां पे पूरा पूरा यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर। मैंने ईवन इवेंट क्या मान रखे, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए, E2 बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी और E3 बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी, और यार ए इवेंट मान रखे डिफेक्टिव बोल्ट। ए इवेंट क्या मान रखे, डिफेक्टिव बोल्ट। अब अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर बाय बी इज। तो यार जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है वो लिखा जाता है ऊपर, क्योंकि मैंने डिफेक्टिव बोल्ट को ए इवेंट मान रखा है और आपको बताना भी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी गिवन दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर बाय बी इज। तो बी मशीन को मैंने E2 इवेंट मान रखा है यहां पे E2, तो पी ऑफ ए बाई E2 निकालना है, पी ऑफ ए बाई E2 निकालना है। तो आपका जो बी मशीन के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकाले गए वो यहां पे डायरेक्ट लिख रखा है, कितने 4%, ये डायरेक्ट लिख रखा है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट देख लीजिए। बी मशीन जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकालते हैं, 4%, तो यहां पे 4 by 100, और प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 0.04 जो है ऑप्शन बी में, अपना बी ऑप्शन हो गया यहां पर सही अपना। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, यस प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, यदि ये है तो देन इट इज मैन्युफैक्चर बाय बी इज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब कि पी ऑफ इफ ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, यदि ये है तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, देन इट इज मैन्युफैक्चर बाय बी इज E2, पी ऑफ E2 बाय ए निकालना है। यस प्यारे बच्चों पी ऑफ E2 बाय ए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं, ये बेस थ्योरम है, आप बहुत बढ़िया से जानते हो और फॉर्मूला बता भी सकते हो, हर बच्चा बता सकता है। पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2 तो आएगा ऊपर, और यार नीचे क्या आएगा, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2 प्लस पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए बाई E3। यस, ये चीजें आएंगी, बहुत आसान है ये चीज लिखना। अब मैं वैल्यूज लिखता हूं और फिर देखता हूं अपना आंसर क्या आता है। पी ऑफ E2 कितना है यहां पे, 35/100 लिख सकते हो आप। यार ये छोटी छोटी चीजें देखते ही पता लग जाना चाहिए। पी ऑफ ए बाई E2 पिछले क्वेश्चन में बताया था 4/100। नीचे अब पी ऑफ E1 25/100 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 5/100 प्लस पी ऑफ E2 और पी ऑफ ए बाई E2 पर लिख रखे, दोबारा यहां पे लिख देता हूं 35/100 इंटू में 4/100। यस, और यार प्लस पी ऑफ E3 40/100 इंटू में पी ऑफ ए बाई E3 2/100। इसको कर लेंगे सोल्व और फिर आंसर देखें क्या है।
तो यार ऊपर 100 × 100, नीचे अगर आप एलसीएम लेते हो तो 100 × 100 बन जाएगा, तो 100 × 100 से 100 × 100 हो जाएगा कैंसिल। तो बचेंगे क्या क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बचेंगे क्या क्या, देखते जाइए। 35 × 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 140। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 140। यस, नीचे नीचे देखो 100 × 100 से एलसीएम लेने के बाद 100 × 100 कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आगे। फिर 35 × 4 से 140, 25 × 5 से 125 प्लस 35 × 4 से 140 प्लस 40 × 2 से 80। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ऊपर तो यार आया 140 और नीचे मैं ऐड करता हूं तो देखो 0 0 0 5, तो ये आपका ये बन गया 5, ठीक है। और फिर भाई 8 और 4 हो गया आपका 12, है ना, 8 और 4 हो गया 12, 12 और 2 14, 4 असल लगी 1, ठीक है, 1 1 2 1 3, ये आ गया नीचे 345। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ऊपर तो 28 पे जाएगा और नीचे जाएगा 69 पे, ऊपर तो 28 से जाएगा नीचे 69 पे जाएगा 5 से, तो 28/69 ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए में है और ये ऑप्शन ए हो गया अपना बिल्कुल सही। अपना सेकंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? थर्ड। यार अपने थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव इज, यार टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। यहां पे पी ऑफ ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पी ऑफ ए पूछ रहा है यार, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव इज टोटल प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए पूछ रहा है। यस, तो पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए बाई ईवन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, यही चीजें तो होंगी, बस वैल्यू रखते हैं और आंसर देखते हैं क्या आएगा। पी ऑफ ईवन 25/100 इंटू पी ऑफ ए बाई ईवन, पी ऑफ ए बाई ईवन 5/100 प्लस पी ऑफ ई टू 35/100 पी ऑफ ए बाई ई टू 4/100 प्लस पी ऑफ ई थ्री 40/100 पी ऑफ ए बाई ई थ्री 2/100। अब यार कुछ भी नहीं करता हूं, सिंप्लीफाई, तो नीचे देखो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 10000, ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आप इनको सोल्व करोगे प्लस करोगे तो देखो कितना आएगा, 25 × 5 से 125 प्लस 35 × 4 से 140 प्लस 40 × 2 से 80, 40 × 2 से 80। और जब ऊपर ऐड करोगे, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने नीचे किया था, आपने देखा डिनोमिनेटर में यही काम कर रहे थे, न्यूमिनेटर में कुछ अलग था डिनोमिनेटर में कुछ अलग था, उसमें ये था, ठीक है। तो यहां पे 345 बन जाएगा ऊपर जोड़ और नीचे आपका 10000 ये आएगा। और यार आप इसको लिख सकते हो 0.0345 जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो गया बिल्कुल सही। अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यस प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि लेट ई1 ई2 ई3 बी द इवेंट दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी रेस्पेक्टिवली एंड ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 पी ऑफ ई आई बाय ए इज, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यार इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, आई की वैल्यू 1 से 3 तक है तो हम, और समेशन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी ऑफ ईवन, पहले वन लगाएंगे आई की जगह, ईवन बाई ए प्लस पी ऑफ ई टू बाई ए प्लस पी ऑफ ई थ्री बाई ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। यस, और जब यार आप इसको सोल्व करते हो पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए बाई ईवन और नीचे आप लिखोगे पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए बाई ईवन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, ऐसे ही इसको लिखोगे पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, एक बार इसको लिखता हूं फिर मैं उनके बारे में बता दूंगा आपको कि पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए बाई ईवन लिखोगे, यस, अपॉन में नीचे पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए बाई ईवन
प्लस पी ऑफ ए टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू बेस फॉर्म फॉर्मूला है, प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, ऐसे लिखोगे। ये मैंने पहला लिखा है बेटा, पहला लिखा है। अब आप खुद बताना दूसरे के अपोन में ये चीज तो आएगी, तीसरे के अपोन में भी ये चीज आएगी, एलसीएम ये आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा, यस। और ऊपर क्या क्या आएगा, प्लस इसका ऊपर वाला न्यूमिनेटर के, देखो डिनोमिनेटर इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका तो ये आ ही गया, तो एलसीएम ये आया, इसका न्यूमिनेटर ये प्लस, फिर एलसीएम लेने के बाद मैं ऐड कर रहा हूं, इसका न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा इसकी तरह पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, और प्लस इसका क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री। ये मैंने क्या किया है एक बार फिर से बता देता हूं, इसको सोल्व करोगे तो पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन नीचे ये सारा आएगा, इसको अलग से सोल्व करेंगे प्लस में तो ऊपर तो ये आएगा नीचे ये सारा आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर ये आएगा नीचे ये सारा आएगा। फिर मैंने एलसीएम ले लिया ये सभी में और ऊपर सबको कर दिया एड, और अब आप ऊपर देखो और नीचे देखो सेम चीज है, और ये कट के क्या बनेगी वन, जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे बिल्कुल सही। और यार अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।